कस्टमर आया, रुकिए, कस्टमर आया आकर कहता है 50 ग्लास चाहिए, ठीक है, आपके हेल्पर को आप भगाओ, जाओ जल्दी 40 ग्लास खरीदो, आओ इधर दो, पोजेशन ले लिए, एक घंटे बाद आओ, कस्टमर को कहा, या 10 मिनट बिठा के रखे, दे दिए, फिनिश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर इमीडिएटली गुड्स अवेलेबल हो सकते हैं वहां पे ये चीज अप्लाई हो सकती है, एक ये भी ऑप्शन है, फिफ्थ ऑप्शन हो गया। और ऑप्शन आप बताइए, खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जी, और जैसे कस्टमर को 100 पीस चाहिए किसी एक प्रोडक्ट का, और अभी फिलहाल रेडी 25 पीसेस, और जो 75 पीसेस है वो 3-4 डेज लगते हैं, अगर उसका एडवांस ले ले, मतलब कोई प्रोडक्ट है 100 पीस है, 25 रेडी है, 75 रेडी नहीं है, 25 का एडवांस आप ले सकते हैं क्योंकि वो आपके पास है, बाकी 75 का एडवांस नहीं ले सकते। एक्चुअली खुद ही मैन्युफैक्चर हो, प्रोडक्ट भी मतलब अच्छा, हाँ माशाल्लाह, सिक्स्थ ऑप्शन, मतलब गारंटी ये मिलेगा आपको 3 डेज बाद आपको 101% आपको 70 मतलब 100 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, मतलब खुद मैन्युफैक्चर है तो मतलब उसका एडवांस ले सकते हैं, मतलब 50% ऐसा। सवाल यहाँ ये है कि अगर कोई शख्स खुद मैन्युफैक्चरर हो तो क्या वो कर सकता है उस सिचुएशन में? हमने बै असलम को देखा थोड़ी देर पहले, बै असलम जिसके अंदर एडवांस पेमेंट किया जाता है, लेकिन एक बै असलम का एक कायदा याद रखिए, बै असलम में पार्ट पेमेंट अलाउड नहीं, बै असलम में कंप्लीट पेमेंट होगा। और बै असलम की लॉजिक क्या है कि एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम, फिक्स पीरियड और फिक्स क्वालिटी क्वांटिटी वगैरह स्पेसिफाइड हो, तो उसके अंदर एडवांस पेमेंट नहीं अलाउड है, उसके अंदर फुल कंप्लीट पेमेंट करना होगा। तो अगर मान लीजिए कि कोई प्राइमरी प्रोड्यूसर है, कोई मैन्युफैक्चरर है, तो वो बै असलम की पॉलिसी यूज कर सकता है, उसके क्लॉजेस यूज कर सकता है, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना करके फुल पेमेंट एडवांस में ले सकता है, उसको चाहिए तो एडवांटेज प्राइस जो भी निगोशिएट हो जाए, जो प्राइस पर हो वो कर सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो डीलर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, बै असलम उनके लिए ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो ये हमने कुछ हलाल अल्टरनेटिव्स देखे, और भी अल्टरनेटिव्स हैं। एक इंसान जब मार्केट में रहेगा और सोचेगा मुझे सिर्फ हलाल करने का, चलो सोचते रहो क्या हलाल ऑप्शन समझ में आता है, मैं कोई हलाल ऑप्शन ही यूज करूंगा, तो इंशाल्लाह उसे कोई ना कोई हलाल ऑप्शन मिलेगा जो वो यूज कर सकता है और बिजनेस कर सकता है, और वो बिजनेस में ज्यादा खैर होगा, ज्यादा बरकत होगी, ज्यादा कामयाबी होगी, ज्यादा सक्सेस भी होगा इंशाल्लाह। चलिए यहां पर हमने हमारे 5 कायदे फिनिश किए, अभी मुख्तसरन किसी का कोई सवाल हो 5वें कायदे के मुताबिक तो पूछ सकते हैं। कोई प्रोडक्ट का जैसा रिपेयरिंग रहता है तो वो अगर जाके दे हुए रिपेयरिंग और एडवांस में अगर पेमेंट ले ले हुए रिपेयरिंग की, तो उसके बारे में क्या कहना, या फिर जैसा कि टेलर की दुकान है और जाके कपड़ा खुद जाके दो तो टेलर अगर फुल पेमेंट ले ले हुए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान खुद कपड़ा देता है और फिर बाद में भूल जाता है, या टाइम बहुत पीरियड हो जाता है, 3-4 महीने बाद आता है तो थोड़ा सा यानी वो अटकना पड़ता है दुकानदार को ऐसा कुछ, या फिर जैसा कि बड़ा बड़ा कुछ सामान रहता है, गाड़ी जैसा रिया, तो बाहर से ऑर्डर की जाती है तो लोग एडवांस लेते या पेमेंट लेते ताकि बुकिंग रहे। ओके, जज़ाकअल्लाह खैर, मुझे एक और ऑप्शन याद आ गया। एक ऑप्शन मैंने आपको पहले बताया था, वो है एजेंसी कमीशन। एजेंसी एजेंट हो कोई, जैसे मान लो कि मिसाल के तौर पर मर्सिडीज के आप इंडिया के एजेंट हो और मर्सिडीज की वो गाड़ी आप मंगा के दोगे जो कंपनी के गोडाउन में है, भले ही गोडाउन उनका कोई दूसरी कंट्री में होगा, लेकिन वो कंपनी के आप एजेंट हो, तो कंपनी आपको एजेंसी कमीशन देने वाली है। चाहे तो आप कस्टमर की तरफ से एजेंट बन जाए, चाहे तो कंपनी की तरफ से एजेंट बन जाए। कंपनी के एजेंट हैं तो आप ले सकते हैं, वो कंपनी में पोजीशन है तो आपकी कंपनी, आप कंपनी की तरफ से बात कर रहे हो तो भी कोई हर्ज नहीं है। अच्छा ब्रदर का सवाल मेन ये है कि मान लीजिए कि कोई जैसे टेलर है, टेलर एडवांस पेमेंट ले रहा है, तो टेलर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट सेल की बात नहीं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या कौन मान लो कि कोई घड़ी रिपेयर करने वाला है, वो घड़ी की जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो कह रहा है मुझे एडवांस पेमेंट इसका ये दो, तो ये प्रोडक्ट सेल के अंदर नहीं आ रहा है। तो मालम तजमन जब तक जमानत में ना आ जाए, वो जमानत में ना आ जाए, ये रूल यहाँ अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पर वह हल अल्लाहुल बै, तिजारत को अल्लाह ने हलाल किया, तिजारत के अंदर सारी चीज़ें हलाल है, सिर्फ जो हराम है वो दी हुई है, बाकी तो हलाल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर वो चीज़ अप्लाई नहीं होती, कोई टेंशन की बात नहीं है जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के अंदर है। हाँ प्रोडक्ट सेल की बात है तो बात अलग है जी। और कोई सवाल? तो एक हमने छठा ऑप्शन ये देखा कि आदमी कंपनी का एजेंट हो तो भी काम हो सकता है। कमीशन जो तुमने बोले कि जी मैं खरीद के दूंगा तुम्हारे को, हाँ तो कमीशन बताना जरूरी है? ओके, मैं खरीद के दूंगा उसके अंदर कमीशन बताना जरूरी है कि कितना कमीशन लूंगा। जैसे मिसाल के तौर पर ब्रोकर है, वो कहे कि मैं कुछ तो लूंगा, कितना लूंगा मैं नहीं बोलता हूँ,
तो ये क्या है, ये एक छठा जो हम पॉइंट दिखने वाले हैं ना उसके तहत ये चीज गलत हो जाएगी, जो छठा पॉइंट छठी कंडीशन दिखने वाले हैं उसके तहत ये चीज गलत हो जाएगी। कैसे, हम थोड़ी देर बाद देखेंगे वो इंशाल्लाह। जैसे कि बिल्डर को अपनी जमीन खरीदी और फ्लैट्स में 100 फ्लैट्स हैं, 50 फ्लैट्स पहले ही बेच देते हैं जी, तो वो एज ए बिल्डर के पार्ट से, और जैसे कि जो खरीद रहा है इन्वेस्टर के पार्ट से, उन लोग खरीद रहे ये सोच के कि हाँ बिल्डर उनको दिया है सस्ते में, फिर बाद में वो उसको अप्रिशिएट करके बेच देंगे, तो उसे बिल्डिंग करने को नियर अबाउट 3 साल लगेगा, तो लोग 1.5 साल में बेच देंगे, कुछ भी अप्रिशिएशन मिलेगा, वो दोनों सूरत। भाई का सवाल ये, इन्होंने बहुत अहम सवाल पूछा, और ये सवाल पूछने से मुझे ये समझ में आया कि ये बहुत सोच रहे थे कहाँ ये रूल अप्लाई होता है, और उन्हें ये बात क्लिक हुई कि बिल्डिंग के अंदर जो फ्लैट्स बुक होते हैं, अब किसी इन्वेस्टर ने फ्लैट बुक किया और फ्लैट बुक करने में उसने पार्ट पेमेंट किया, पोजेशन नहीं मिला है, बिल्डर पोजेशन देगा, बिल्डर पोजेशन देगा, और जब पोजेशन देगा 3 साल बाद देगा, दरमियान में वैल्यू अप्रिशिएट हो चुकी थी, जितने में बुकिंग किया उससे ज़्यादा उसे वैल्यू मिल रही है, क्या वो आप पोजेशन लिए बगैर भी बेच सकता है या नहीं बेच सकता है, ये सवाल है। तो यहाँ पर बिल्डिंग का पोजेशन जो होता है, फ्लैट का पोजेशन अगर वो ले ले, पोजेशन लेने के बाद बेचना, तो इसमें शक ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि दरमियान इन बिटवीन प्रोसेस है कि जब बिल्डिंग बनी नहीं है, दरमियान का मामला है, और तभी पोजेशन उसे मिला नहीं है, तो तब वो कैसे बेच सकता है, ये सवाल है। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं एक पॉसिबिलिटी उसकी ये होती है कि वो बिल्डिंग के अंदर बिल्डर के साथ उतना पार्टनरशिप वो हो जाए उसकी, मिसाल के तौर पे बिल्डर के पास 10,000 स्क्वायर फीट है, वो अपना इन्वेस्टमेंट जो दे रहा है वो कह रहा है मैं 1,000 स्क्वायर फीट का पार्टनर हूँ, मैं 500 स्क्वायर फीट का पार्टनर हूँ, तुम्हारे पास टोटल सेलेबल 10,000 स्क्वायर फीट होंगे, मैं उसमें से 500 स्क्वायर फीट का पार्टनर हूँ, यानी मेरा 5% है शेयर, तुम्हारा जो भी बनने वाला है उसमें 5% शेयर है या 10% शेयर है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट वो 10% शेयर का है। तो हम देखते हैं कि अगर उसने पार्टनरशिप की तो मुशारका के रूल के तहत पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर होता है वो अपना शेयर बेच के निकल सकता है, क्योंकि बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लंबे होते हैं, कभी कभार अनसर्टन भी हो जाता है, टाइम भी उसका लंबा हो जाता है, और उसके अंदर वो प्रोडक्ट सेल का जो रूल अगर अप्लाई होता है तो वो चीज़ के तहत वो बंधा हुआ रहे, तो उसके अंदर यहाँ पर एक गुंजाइश उसके पास ये होती है कि वो प्रोजेक्ट में स्क्वायर फीट से पार्टनरशिप ले रहा है और वो पार्टनरशिप का अपना शेयर बेच रहा है। तो हम ये देखते हैं कि ये एक बात है, जैसे मिसाल के तौर पे पूरा काम करने के बाद बिल्डर के पास जो बनेगा, मिसाल के तौर पे 10,000 स्क्वायर फीट बनेंगे, तो बिल्डर ने 5,000 स्क्वायर फीट इन्वेस्टर्स में बांट दिए, 5,000 स्क्वायर फीट वो खुद बेचेगा, तो यहाँ क्या है कि जो इन्वेस्टर्स है उनको 5,000 स्क्वायर फीट दिया इन रिटर्न ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, बांट दिया सब में, और 5,000 स्क्वायर फीट वो खुद बेचने वाला है। तो यहाँ ये देखते हैं कि ये पार्टनरशिप वाला एक इशू है जिसके तहत कुछ उलमा ने इजाजत दी है, जो हम कल मुशारका जब डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप का इशू, तो हम इंशाल्लाह तभी इसकी और डिटेल्स देखेंगे इंशाल्लाह। एज ए एजेंट क्या वो एडवांस ले सकता है, ये बात अंडरस्टैंडिंग की बात है, उसमें एडवांस ले सकता है क्योंकि वो उसके बिहाफ पे ही काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉई होता है ना जो दुकान में काम करता है, अपने बॉस के लिए ही होता है, अब बॉस कहीं कहीं से फिक्स सैलरी देते हैं, कहीं कहीं कमीशन भी देते हैं, तो उसकी टर्म्स जो अग्रीड है वही टर्म्स होती है, उसी तरह ये शख्स अभी उसी की तरफ से है, अल वकील फी हुक्मिल मुवक्किल, जो वकील है जो एजेंट है वो जिसकी तरफ से काम कर रहा है उसी के हुक्म में है, इट्स एज इफ वो सेम आदमी है, तो वो एडवांस हो उसके हाथ में या ना हो, वो जो भी टर्म्स अग्रीड है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन वो कमीशन उसका एक फिक्स कमीशन होगा और उसमें क्लैरिटी होगी ताकि कल टर्म्स में प्रॉब्लम ना हो और कल जाके झगड़े अराइज ना हो, मतलब क्लैरिटी रहे कि उसने लिया तो कितना परसेंटेज लिया, क्योंकि अगर वो शख्स कह रहा है कि मैं कुछ तो रखूंगा, तो क्लैरिटी अगर ना होगी तो क्लैरिटी ना होने की वजह से झगड़े होते हैं, और यही चीज हम अभी छठे कायदे के तहत देखने वाले हैं। छठा कायदा लेन देन के अंदर जो छठी शर्त है, कंडीशन है, वो ये है कि जो चीज बेच रहे हैं या जो चीज खरीद रहे हैं क्लियर होनी चाहिए, क्या बेचे क्या खरीदे। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरी जेब में ये कुछ है 500 रुपए में खरीदना है, अब हो सकता है कि 10 रुपए का एक रुमाल निकलेगा, या हो सकता है कि कोई कीमती सी चीज निकल आएगी, इस्लाम ने ऐसे ट्रांजैक्शन को हराम बताया है। मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए क्या बेचे क्या खरीदे, क्लियर कट,
صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غرر کے ٹرانزیکشن کو حرام کیا. ربا آج لوگوں کو معلوم پڑا ہے, غرر کیا آج بھی کئی اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہے. غرر یعنی ایسی ٹرانزیکشن جس کے اندر کلیئرٹی نہ ہو, جس کے اندر کچھ تو دھوکہ ہے, مبہم ہے, ان نون کچھ چیزیں ہیں. تو یہ چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا. وہ زمانے میں ایسے بہت سارے ٹرانزیکشن ہوتے تھے. اگر آپ صرف صحیح بخاری کے اندر کتاب البیوع کھولے تو لائن سے آپ کو حدیثیں ملے گی غرر سے ریلیٹڈ حدیثیں. مثال کے طور پر ایک ٹرانزیکشن ہوتا تھا جس کا نام تھا حبل الحبلہ. حبل الحبلہ کی کئی شکلیں بتائی گئی ہیں, اس میں سے ایک شکل یہ ہے کہ جس کے اندر اونٹنی پریگننٹ ہے. آپ پریگننٹ ہے تو پیٹ کے اندر کیا ہے, ہو سکتا ہے جڑوا ہے, اب سونوگرافی تو نہیں تھی تبھی, ہو سکتا ہے جڑوا ہے, ہو سکتا ہے سنگل ہے, اور سنگل ہے تو کیسا نکلے گا, اس کا باڈی فریم وغیرہ کیسی ہوگی, زندہ پیدا ہوگا مردہ پیدا ہوگا, کلیئرٹی کچھ نہیں ہے. اب وہ اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے بیچ دیتے ہیں, میں بچہ بیچ رہا ہوں پیٹ کے اندر, ابھی تک کلیئر نہیں ہے, بیچ رہا ہوں, کتنے میں خرید رہا ہوں, 1000 روپے میں بیچ رہا ہوں. اب اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا, ہو سکتا ہے مردہ پیدا ہوگا, ہو سکتا ہے جڑوا پیدا ہو جائیں گے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ کینسر کا لمپ ہوتا ہے جس کے اندر ایسا لگتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے, حالانکہ پریگننٹ ہی نہیں ہے. تو یہاں کیا معاملہ ہے کہ یہ کلیئرٹی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ٹرانزیکشن کو حرام کیا, کیونکہ کلیئرٹی ہونی چاہیے, دھوکے کا کچھ معاملہ نہ ہو, جوئے کا کچھ معاملہ نہ ہو. یہ جوئے ٹائپ کا معاملہ ہو رہا ہے غرر میں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین, اما بعد, بریک کے بعد میں آپ سب کا پھر استقبال کرتا ہوں. بریک سے پہلے ہم تجارت کے اسلامی اصول موضوع کے تحت کچھ باتیں کر رہے تھے, آئیے ان باتوں کو آگے بڑھائیں. اسی طرح آپ دیکھیے ایک ٹرانزیکشن تھا بیع المعاومہ. بیع المعاومہ میں کیا ہوتا تھا کہ ایک سال کے اندر یہ زمین میں کیا فصل اگے گی میں بیچ رہا ہوں, ایک سال میں جو بھی فصل اگے گی میں بیچ رہا ہوں 1,00,000 روپے میں. اب ہو سکتا ہے بمپر فصل نکل آئے گی, ڈبل بہت اچھی فصل نکل کے آئے گی, ہو سکتا ہے سیلاب وغیرہ کی وجہ سے وہ فصل خراب ہو جائے گی. تو وہ لوگ فصل ایسے بیچتے تھے اور اس کے اندر نیچرلی ایک بھاؤ طے ہوتا تھا, اپ ڈاؤن نیگوشیشن وغیرہ کے ساتھ میں, رضامندی کے ساتھ, کوئی بیچ رہا ہے کوئی خرید رہا ہے, لیکن صرف رضامندی ایک ہی شرط تھوڑی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیع المعاومہ میں کیا ہوتا تھا, ایک سال میں کیا فصل نکلے گی, بمپر نکلے گی, جو بھی نکلے گی سب تمہارے نصیب. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المغانم حتی تقسم. جو مال غنیمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ مال غنیمت جب تک تقسیم نہ ہو جائے تب تک بیچ نہیں سکتے. اب مال غنیمت میں ایک سپاہی کا کیا شیئر آنے والا ہے, کلیئرٹی نہیں ہے, ہو سکتا ہے کچھ اچھا آئے گا, ہو سکتا ہے کم آئے گا. بھلے میں جو بھی شیئر بیچ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا, کہا کہ نہیں بیچ سکتے جب تک تمہیں مل نہیں جاتا, مل گیا تو کلیئر ہو گیا کیا ملا, اب بیچو. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اور ٹرانزیکشن تھے, جیسے ایک اور حدیث ہے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتی یبدو صلاحها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمار فروٹس کو بیچنے سے منع کیا یہاں تک کا کہ ان کی صلاحیت نہ نکل آئے. مطلب ابھی پھل لگے ہوئے ہیں پیڑ پر, ابھی معلوم نہیں پڑا کیسے بننے والے ہیں, حتی یبدو صلاحها, اس کی صلاحیت واضح نہیں ہوئی ہے, جب واضح ہو جائے گی تب بیچو, واضح نہیں ہوئی ہے تو اب سپیکولیشن والا معاملہ ہے, ابھی نہیں بیچ سکتے. اسی طرح نحل بایا والمبتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے والے کو بھی منع کیا, خریدنے والے کو بھی منع کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورے لائن سے ایسے ٹرانزیکشنز ہیں جو اس زمانے میں ہوتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سب کو حرام کیا بال اتفاق. یہاں تک کہ امام نووی نے صحیح مسلم کی کامنٹری میں شرح میں یہ بات بتائی ہے کہ اس موضوع پر جب انسرٹنٹی, یعنی کہ جو بات واضح نہیں ہے یہ بڑی ہو, تو اس بارے میں علماء کا اجماع ہے, کسی عالم نے اختلاف اس بارے میں نہیں کیا. لیکن آج عوام میں پوچھو تو ان کو کیا غرر کیا معلوم ہی نہیں. میجر غرر یعنی جس میں میجر انسرٹنٹی ہو وہ حرام ہے بال اتفاق, اور اس بارے میں آج عام آدمی کو پوچھو تو اس کو معلوم ہی نہیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ غرر از حرام, غرر حرام ہے. آج کے زمانے میں کہاں یہ دکھائی دیتی ہے, انشورنس میں. انشورنس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی انشورنس پریمیم پے کر رہا ہے, انشورنس کمپنی انشورنس پریمیم لے رہی ہے. جو شخص انشورنس پے کر رہا ہے, چاہے وہ ہیلتھ انشورنس ہے, چاہے وہ لائف انشورنس ہے, چاہے وہ میڈیکل انشورنس ہے, چاہے وہ ایکسیڈنٹ انشورنس ہے,
कोई भी किस्म का इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम देने वाले को मालूम नहीं है कि एक्सीडेंट कब होने वाला है, मौत कब होने वाला है, बीमार कब पड़ने वाला है, मालूम ही नहीं है, ना कंपनी को मालूम है, बिल्कुल अनसर्टेनिटी है, बिल्कुल वाज़े क्लियर मेजर गरर है। पहली बात तो ये मालूम नहीं है कि बीमार पड़ेगा नहीं पड़ेगा, एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, मौत इस उम्र से पहले होगी या नहीं होगी, मालूम ही नहीं है। नंबर दो, एक्सीडेंट होगा तो कब होगा, होगा या नहीं होगा, एक्सीडेंट होगा अगर तो कब होगा, मान लो 25 साल बाद एक्सीडेंट हुआ, हाँ, या बीमार वो 20 साल के बाद बीमार पड़ा, तो उसे ये नहीं मालूम है कि वो बीमार पड़ेगा तो कब बीमार पड़ेगा। तीसरी बात, उसे ये भी नहीं मालूम है कि जब एक्सीडेंट होगा तो नुकसान कितना होगा, या बीमार पड़ेगा तो बिल कितना आएगा, मतलब ये भी क्लियर नहीं है। तीसरी बात ये क्लियर नहीं है कि नुकसान होगा तो कितना होगा। तीन तीन चीजें मेजर है, अनक्लियर है, इसी वजह से इंश्योरेंस के बारे में फतवा ये है, ये छठे कायदे के तहत कि इंश्योरेंस करना हराम है। और भी बहुत सारे इंश्योरेंस में नुकसान है, वो एक अलग टॉपिक है। तो हम शेयर मार्केट के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में कुछ चीजें मुख्तसरन और देखने वाले हैं एडिशनली। आगे आज भी सुनने में आता है, जो लोग देहात वगैरह साइड के हैं, वहां खेती बाड़ी चलती है, सुनने में आता है कि आज तक ये साल की या ये फसल की बिकना, अब तक ये ट्रांजैक्शन चलता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हराम कर दिए। अब तक हम देखते हैं कि कई बार कई जगहों पर कि ये साल की फसल बेच दिए, हाँ, ये सीजन की फसल बेच दिए, कुछ आया नहीं, कुछ निकला नहीं, कुछ वाजे नहीं हुआ, बेच दिए, तो ये क्या है, ये एक हराम की शक्ल हो गई। उसी तरह चलिए थोड़े मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ आते हैं, तो मॉडर्न वर्ल्ड में हम आते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसी कुछ चीजें होती है कि मिस्ट्री गिफ्ट इनसाइड, खास तौर से बच्चों के उसमें, कि कुछ तो मिस्टीरियस गिफ्ट अंदर है, अब उसके लिए खरीद रहे हैं, क्लियर नहीं है क्या है अंदर, वाजे हो क्या है बोल दो, क्या है उसके पैसे लो, खत्म। इस्लाम ने क्लियर कट ट्रांजैक्शन सिखाए हैं, धोखे वाली कोई चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये एक धोखे की एक शक्ल है कि मिस्टीरियस गिफ्ट इनसाइड। अब वो मिस्टीरियस गिफ्ट के जरिए लोग खर्च करते हैं, ज्यादा खर्च करते हैं, कुछ तो मिस्टीरियस है, तो इस्लाम ने कहा नहीं, क्लियर बताओ क्या है, क्लियर है बताओ और बेचो, इसके अंदर कोई ऐसी चीज ना हो कि आदमी खर्चा किए फिर मैंने, अरे ये है इसके लिए मैंने खर्चा किया, तो डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। तो इस्लाम ने इस चीज के अंदर वो जो बैड फीलिंग एक दिल में आती है ना, वो उसकी गुंजाइश नहीं छोड़ी है, इसीलिए सब पूरी क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। मैं कुछ मिसालें बता रहा हूँ, इसके अंदर हम देखते हैं कि विजडम क्या है, इसकी हिकमत क्या है। इसकी हिकमत ये है कि कोई किसी और पर जुल्म ना करे, क्योंकि अगर मैं कहूँगा 500 रुपये में खरीदो क्या है मेरी जेब में, अब वो जुए की शक्ल हो गई, जुआ है ये, क्लैरिटी नहीं है, तो उस चीज के अंदर वो क्लियर कट जुआ हो गया। अब इस बारे में मेरे ब्रदर्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको कुछ इसमें एक्सेप्शंस बताना चाहता हूं। पहला एक्सेप्शन है माइनर गरर। माइनर गरर क्या है, जैसे मिसाल के तौर पे अंडा खरीद रहे हैं, अब अंडा अंदर से कैसा है, अच्छा है, खराब है, क्लियर नहीं है, लेकिन एक माइनर अनसर्टेनिटी है, एक माइनर किस्म की अनसर्टेनिटी है, तो ये चीज के अंदर गुंजाइश है। माइनर चीज में शरीयत ने ऐसा नहीं कहा कि अंडा भी बिल्कुल स्कैनर से अंदर से बताओ सबसे ये तो ये हम लोग लेंगे, वैसी टाइप का हमें तकलीफ नहीं दी गई। उसी तरह किसी ने एक जगह लिया भाड़े पर, एक महीने के भाड़े पे लिया, अब इस्लामिक शरीयत में जो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से महीना 29 डेज का भी होता है, 30 डेज का भी होता है, अब इसमें किसी ने लिया एक महीने के लिए, वो महीना 29 डेज का निकला या 30 डेज का निकला, थोड़ी तो अनसर्टेनिटी है। तो यहां पर माइनर किस्म की जो अनसर्टेनिटी है वो माफ है, उसमें कोई पकड़ नहीं उस चीज के ताल्लुक से, माइनर किस्म की अनसर्टेनिटी। इसकी हम एक मिसाल देखेंगे कि उस जमाने में पानी का मशकीजा है, उसमें से कोई पानी पी रहा है, कोई हो सकता है ज्यादा पिएगा कम पिएगा, उसका पेमेंट करके वो पी रहा है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसी तरह आज के जमाने के अंदर एक चीज होती है जिसके अंदर है 500 रुपीज दो अनलिमिटेड थाली या अनलिमिटेड खाना, इस बारे में कुछ उलमा हालांकि दूसरी तरफ गए, लेकिन जनरली उलमा ने फतवा ये दिया है, जो सऊदी की भी सीनियर कमेटी ऑफ स्कॉलर्स का फतवा यही है कि वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि जनरली एक एरिया में मालूम होता है कि लोग कितना खाते हैं, कि भाई बॉम्बे में मालूम है एक आदमी क्या रेंज में खाएगा, इतने से इतने में खाएगा, तो वो रेंज में है, तो वो हिसाब से एक माइनर अनसर्टेनिटी में गिने हैं। लेकिन एक आदमी को मालूम है मैं तो बहुत ज़्यादा खाता हूँ, अगर किसी को पता है कि वो ज्यादा खाता है, अब वो जब जाएगा ऐसे अनलिमिटेड फूड ऑफर में, तो शेख का फतवा जो कहते हैं
कि ऐसा शख्स जो ज्यादा खाता है उसको जाके पहले से बोलना पड़ेगा कि मैं ज्यादा खाता हूँ, सोच समझ के मुझे ऑफर करो, नहीं तो मैं पे करूंगा पर डिश का, मैं इतना देकर वो खाऊंगा, तो वो सेफ है, क्योंकि वो मेजर अनसर्टेनिटी हो जाएगी ना, वो मेजर बात हो जाएगी, माइनर नहीं होगी। नहीं तो नॉर्मल, जो नॉर्मल लोग हैं वो कितने से कितने के रेंज में खाते हैं वो हिसाब से उनका एस्टिमेट होता है। कुछ उलमा ने इस बारे में ऐसे अनलिमिटेड फूड ऑफर्स को, जो फूड बुफे, अनलिमिटेड फूड बुफे वगैरह सिस्टम्स को गलत भी कहा है कुछ सब उलमा ने, लेकिन जो मेजर बड़े उलमा हैं उन्होंने इसकी गुंजाइश दी है, लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन वो आदमी को निकाल दिया बाहर जो कुछ ज्यादा खाता है। इसके अंदर एक और एक्सेप्शन है, वो है मजबूरी। क्या मतलब? मिसाल बताता हूँ। मजबूरी के अंदर बिल्डिंग खरीद रहे हैं, बिल्डिंग में फ्लैट खरीद रहे हैं, बिल्डिंग का फाउंडेशन अंदर से कैसा है क्लियर नहीं है। अब ये मजबूरी है कि फ्लैट ले रहे हैं तो फाउंडेशन क्लियर मालूम पड़े, वो तो बिल्डिंग खड़ी हो तो कभी अल्लाह ना करे कुछ होगा तो मालूम पड़ेगा कि कैसी थी। तो ये एक अनसर्टेनिटी है, लेकिन ये मजबूरी वाली अनसर्टेनिटी है। तो एक एक्सेप्शन इस्तिस्ना, पहली है माइनर अनसर्टेनिटी माफ है, दूसरा मजबूरी वाली अनसर्टेनिटी माफ है, तीसरा जो मैंने आपको कायदा बताया जिसे कहते हैं अताबे अताबे, अंडर में एक बड़ी चीज के अंडर में छोटा कायदा। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि एक शख्स हज के लिए गया, हज बदल की मिसाल, हज बदल के अंदर वो किसी और के लिए हज कर रहा है, उसके अंदर वो दो रकात नमाज भी पढ़ेगा, किसी और की तरफ से होगी वो दो रकात नमाज, मतलब वो किसी और की तरफ से हज है तो दो रकात नमाज जो तवाफ के बाद की नमाज है वो भी किसी और की तरफ से है। लेकिन कोई शख्स इसको दलील बनाकर किसी और की तरफ से नमाज पढ़ना तो शुरू नहीं कर सकता कि मैं जोर की नमाज उसकी तरफ से पढ़ रहा हूं, असर की नमाज पढ़ रहा हूं, वो तो सही नहीं है। तो उसी चीज के तहत, जैसे मिसाल के तौर पर कोई चीज होती है जो अंडर में होती है, मिसाल दे रहा हूं आपको, आप लोग जवाब दीजिए। मान लीजिए कि ऊंटनी के पेट में बच्चा है, वो बच्चा बेचना जायज है, अननोन है ना, लेकिन वो ऊंटनी ही किसी ने बेच दिया और साथ में बच्चा भी अंदर गया, तो अब यहां पर वो बच्चा अंदर से जा रहा है जो अनसर्टेनिटी है, लेकिन वो सिर्फ बच्चे को बेचना नाजायज होता, ऊंटनी को बेच रहे हैं तो जायज है। उसी तरह बकरी के थन में दूध है, अब वो बह जितना भी दूध निकलेगा मैं बेच रहा हूं, कितना भी दूध निकलेगा 100 रुपए में बेच रहा हूं, खरीदना है जायज है नाजायज है? क्यों नाजायज है? अनसर्टेन, कम निकले ज्यादा निकले क्या मालूम, लेकिन कोई बकरी बेच रहा है उसके थन में दूध भी साथ में जा रहा है तो वो मेजर के अंडर में माइनर है। मेजर के अंडर में माइनर है। जैसे मिसाल के तौर पर हज टूर के लिए जाते हैं तो हज टूर का पैकेज होता है, अब हज टूर के लिए जाते हैं तो उसमें खाना भी मिलता है और उसमें ज्यादा खाने वाले हमारे भाई वहां गए हुए हैं, तो अब वो खाने का थोड़ी बिक्री है, वो तो हज टूर है, अब वो ज्यादा भी खाए तो वो मेजर के अंडर में नहीं है, वो उसके अंडर में आ रहा है, समझे आप? तो ये दो एक्सेप्शन हो गए। तीसरा एक्सेप्शन, तीसरी इस्तिस्ना गरर के कायदे में, बाकी सब जगह पे अप्लाइड है, इन जगह पर नहीं अप्लाइड है। हमने देखे ना कि ये कायदा नॉर्मली अप्लाई होता है हर चीज में, हमने मिसाल देखी इंश्योरेंस की, मिस्ट्री गिफ्ट इनसाइट की, और भी मिसालें हैं। हाँ, लॉटरी तो ऑफकोर्स वो तो क्लियर कट गैम्बलिंग। हम आगे आते हैं, तीसरा इस्तिस्ना, पहला एक्सेप्शन क्या था? माइनर गरर। इमाम नववी ने कहा बिल इत्तिफाक बिल इजमा मेजर गरर, जो बड़ा गरर है वो हराम है, बिल इत्तिफाक माइनर गरर हलाल है। अब जो दोनों के दरमियान में है उसके ताल्लुक से देखा जाएगा कि वो उस तरफ है या इस तरफ है। तो हम ये देख रहे हैं कि पहला एक्सेप्शन था माइनर गरर, सेकेंड एक्सेप्शन क्या है? मेजर, बड़े चीज के अंडर में छोटी चीज जो अंडर में आ रही है। और तीसरा एक्सेप्शन, तीसरी इस्तिस्ना ये है सर्विसेज। मिसाल के तौर पे किसी ने जॉब पे रखा, अब जॉब करने गए तो वो ज्यादा काम करा रहा है कम काम करा रहा है, कोई महीने में ज्यादा कराया कोई महीने में कम कराया, ये सर्विसेज है। इसके अंदर अनसर्टेनिटी हुई तो वो चलती है। जैसे मिसाल इसकी लीजिए अनलिमिटेड इंटरनेट, कि इंटरनेट का पैकेज लिए, अब कोई है जो दिन भर लगाया कोई है जो महीने में दो चार बार जाता है, अनलिमिटेड। उसी तरह अनलिमिटेड जिम मेंबरशिप, कि कोई है जो सुबह शाम आके एक्सरसाइज कर रहा है और कोई है जो हफ्ते भर तक नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है? सर्विसेज के अंदर एक्सेप्शन है, सर्विसेज में।
تو یہ تین استثنائی شکلیں ہمیں مل رہی ہیں. باقی اس کے علاوہ جنرلی غرر کا قاعدہ اپلائی کیا جائے گا. انسرٹنٹی نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو, کسی کے اوپر ناانصافی نہ ہو, یہ برادرہڈ کی جو فیلنگز ہے ایک دوسری کی وہ خراب نہ ہو جائے. تو ہم نے یہ چیز دیکھی, یہ ہم نے غرر کا قاعدہ بھی دیکھ لیا, اور اسی کے ساتھ ہم نے پورے 6 کے 6 کنڈیشنز ایک ڈیل صحیح ہونے کے متعلق جو ہے وہ ہم نے کور کر لی.